उत्तराखंड के वाद्य यंत्र की थाप किसी परिचय की मोहताज नहीं, अक्सर देवभूमि में इनकी झलक दिख ही जाती है, लेकिन आधुनिकता इन पर भारी पड़ रही है। जब लोक वाद्य यंत्र बचेगा तभी उत्तराखंड की संस्कृति भी बच पाएगी, जिसके लिए अब लोग आगे आने लगे हैं। बॉलीवुड अभिनेता हेमंत पांडे ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्रों को बॉलीवुड की फिल्मों में लाया जाएगा, जिससे पहाड़ के लुप्त हो रहे वाद्य यंत्रों और कारीगरों को जीवंत किया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि पहाड़ में लोक वाद्य यंत्र बनने वाले दो और जानने वाले लोगों की अंतिम पीढ़ी है। अभिनेता ने कहा कि वाद्य यंत्रों के साथ उनको बनाने वाले भी सीमित रह गए हैं, वह बच पाए तो लोक वाद्य यंत्र भी बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि इनको बचाने के लिए सरकार सांस्कृतिक विभाग को प्रयास करना होगा, युवा और आने बढ़ी पीढ़ी को इसकी जानकारी और इसकी महत्ता को समझना ही होगा। इसके साथ ही बड़े बड़े कार्यक्रमों में बाहरी कलाकारों से ज्यादा स्थानीय कला को प्राथमिकता देनी होगी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। वाद्य यंत्रों को बनाने के लिए और बचाने वाले लोग जो है, बनाने वाले लोग वो नहीं रहे, बजाने वाले हैं लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उनकी कमी खड़ी हुई है, वो अब अंतिम पीढ़ी के कगार पे हैं, तो उन्हें बचाए रखना बहुत जरूरी है। वो बचेंगे तो इंस्ट्रूमेंट बनेंगे तो वो हम तक पहुँचेंगे, हमारे साथ समाज तक पहुँचेंगे। और कोई भी बढ़िया परिवर्तन सरकार से नहीं बल्कि संस्कार से होता है, तो हमें और आप में वो बीज डालना जरूरी है कि हम अपनी कला के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी धरोहर के लिए।